Hello, welcome to Arvind Singh Academy and myself Arvind Singh, and we are discussing definite integration, and this is part 6 in definite integration. And I hope you have already watched part 1 to part 5 before watching part 6. इस सेक्शन में हम क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. पिछले सेक्शन तक कुछ प्रॉपर्टी हमने सीख ली है और अब उस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन के बाद कुछ आगे बात होगी. सो पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं. जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ dx upon a cos square x plus b sin square x like this. ये एक छोटा सा सवाल है, 0 to 5/2 है. और अब थोड़े से एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा बोझिल हो गया था प्रॉपर्टी. सो अब इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए इनडेफिनिट में आपने क्या सीखा है कि sec square x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना. वही काम यहाँ भी करेंगे कि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sec square x. जब तक उसी फंक्शन में हम किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तब तक लिमिट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है. लिमिट चेंज तभी करेंगे जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे. तो sec square x से ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो cos square x into sec square x 1 हो गया, और b sin square x into sec square x क्या हो गया, tan square x. तो ये tan square x होता है. अब हम इसमें पुट कर लेंगे tan x is equal to t. तो पुट कर लिया tan x is equal to t. So what will happen? sec square x dx is equal to dt हो गया. और अब लिमिट चेंज करने की बारी भी आ गई, क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूशन पुट किया है तो लिमिट चेंज करना पड़ेगा. When x is equal to 0, तो tan 0 कितना हो जाएगा, 0. t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0. When x is equal to pi by 2, then t क्या हो जाएगा, infinity. यानी जो लिमिट पहले 0 से पाई बाई 2 था, अब 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, देयरफॉर i इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये हो गया dt. नीचे a प्लस बी टी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म हो गया. क्या लिख देंगे, 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a, यानी 1 बाई a, a का मतलब यहाँ क्या होगा, रूट a, और tan इनवर्स कितना, रूट बी इंटू टी अपॉन रूट ए. ठीक है, ये हो गया. और t के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, मतलब रूट बी से डिवाइड करेंगे. अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गया जी, लिमिट हो गया 0 से इंफिनिटी तक. देन व्हाट विल कम, ये हो जाएगा 1 अपॉन, अब यहाँ पे आ गया 1 अपॉन रूट ए बी, 1 अपॉन रूट अंडर ए बी, और यहाँ पे आ गया tan इनवर्स इन्फिनिटी. जब t इन्फिनिटी रखोगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब पाई बाई 2, और t 0 रखोगे तो tan इनवर्स 0 0. तो ये मिल गया पाई बाई 2 अंडर रूट ए बी. अगर यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता तो यहाँ पाई बाई 2 ए बी मिलता. जैसे यहाँ ए स्क्वायर यहाँ भी बी स्क्वायर होता तो यहाँ 2 ए बी, पाई अपॉन 2 ए बी मिलता. ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आप जो भी वैल्यू है वो रख सकते हैं. ठीक है, आप सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं. 0 टू पाई बाई 2 ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो ये क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास क्या तरीका हो सकता है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बड़ा थोड़ा सा सोचने वाली बात है, क्योंकि ऊपर में अगर ये ए बी के बजाय कोई डाटा होता तो पहले हम डिवाइड कर लेते, लेकिन यहाँ पे डिवाइड करना थोड़ा सा आसान नहीं लग रहा है. सो व्हाट टू डू, वी कैन यूज द प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी अब यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं, और प्रॉपर्टी में लिख देंगे i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 a sin पाई बाई 2 माइनस x, अगर ऐसा लिख दिया जाए, और b cos पाई बाई 2 माइनस x, यहाँ भी प्रॉपर्टी लगा दिया, डिवाइडेड बाई sin पाई बाई 2 माइनस x और प्लस cos पाई बाई 2 माइनस x. वो इस तरह से हमने इसको कर दिया. अभी क्या मिल जाएगा, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, ठीक है, a cos x प्लस b sin x डिवाइडेड बाई sin x का ये कन्वर्ट होकर किस में हो जाएगा, cos x, और ये cos x किस में कन्वर्ट होकर हो जाएगा, sin x, cos x प्लस sin x dx. अब देखिए ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया. अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम है, न्यूमरेटर में प्लस करेंगे न्यूमरेटर प्लस हो जाएगा. तो न्यूमरेटर में क्या होगा, यहाँ पे a है sin x का कोफिशिएंट, यहाँ पे b है,
तो साइन एक्स कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी आ जाएगा। उसी तरह से कॉस एक्स में भी यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है, तो कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी आ जाएगा। ए प्लस बी दोनों में आ जाएगा, यानी ए प्लस बी बाहर निकाल सकते हैं। तो एडिंग टू आई इज इक्वल टू व्हाट विल हैपन, 0 to π/2 ए प्लस बी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे में रह जाएगा क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, पूरा कैंसिल हो गया dx, यानी ए प्लस बी बाहर आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 dx रह गया, जिसमें से क्या मिलेगा x। तो 2y इज इक्वल टू हो गया कितना, तो x इंटू 0 to π/2, और कोफिशियंट क्या है, ए प्लस बी, यानी ये मिल गया π/2, i इज इक्वल टू यहाँ से मिल गया π/2 और ए प्लस बी 2y इज इक्वल टू, और ये 2 से इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी हो गया π/4 ए प्लस बी, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल कर सकते हैं। अब एक अलग सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आज का। ये देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 लॉग ऑफ √1 − x प्लस √1 + x dx, ऐसा है। तो इसको कैसे करेंगे, ये i इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगाई जाए और 1 − x किया जाए, तो 1 − x करने से क्या हो जाएगा, ये 1 − x, यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा, यहाँ पे −x हो जाएगा रूट में, जो कि वैलिड नहीं है। तो इसलिए आप यहाँ पे 2 − x हो जाएगा और यहाँ पे +x रह जाएगा, तो 1 − x करना प्रतिमानी नहीं है, और लॉग भी है, तो क्या करोगे। तो ऐसी स्थिति में इंटू वन करके इंटीग्रेशन बाई पार्ट करने के अलावा कोई उपाय नहीं है, तो हम इसको इंटू वन कर लेंगे लॉग के साथ, पहले भी हमने ऐसा किया है। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकेंड। इंटीग्रेशन बाई पार्ट अगर करें तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, राइट, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का मतलब, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स, और ये एज इट इज, यानी ये आ जाएगा कुछ इस तरह का कि x log √1 − x प्लस √1 + x, ये पहला आ गया। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी 1 upon √1 − x प्लस √1 + x, पहले वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो log का डेरिवेटिव करेंगे तो ही आएगा 1 upon x, फिर इनका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 1 upon √1 − x इंटू −1 प्लस 1 upon √1 + x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड दैट इज x, और क्या आ गया dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक। यहाँ पर अभी पहले 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये 1 into मिलेगा, 1 into कितना, ये मिल जाएगा 1 log, 1 into log, एक्स को 1 रखने से 1 से मल्टीप्लाई करना और टाइम खराब करना दोनों बराबर है। 1 यहाँ पे रखोगे तो 1 − 1 0, तो खत्म ही हो गया, 1 + 1 2, तो 1 log √2 बचेगा, log√2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 log 2 लिख सकते हैं, और जब 0 रखोगे तो 0 into something is 0, तो बात कहानी वहीं पे खत्म हो गई। यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 to 1, 1 upon √1 − x प्लस √1 + x, ये मिल गया नीचे में। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद 1/2 माइनस कॉमन ले लें, −1/2 कॉमन लेके यहाँ प्लस कर लूँ अगर, तो ये हो जाएगा ऊपर में 1 + x −√1 − x डिवाइडेड बाई √1 − x², ठीक है, ये आ जाएगा कुछ इस तरह का 1 + x, और ये चीज 1 + x, यहाँ पे बीच में माइनस, और x का डेरिवेटिव तो है ही dx, ठीक है। अब देखो, इसके कंजुगेट से अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये आ जाएगा 1/2 log 2 प्लस 1/2 0 to 1, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा, तो क्या होगा, 1 + x प्लस 1 − x −√1 − x² आएगा ऊपर में, और नीचे में क्या होगा, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² − b² यानी 1 + x 1 − x −1 − x, 1 1 कट के नीचे क्या आ जाएगा, 2x, और ये x एक यहाँ पे ऑलरेडी है, ऑलरेडी गिवन है, और ये 1 − x² यहाँ पे है,
और ये dx है, तो x से x कट जाएगा, ये माइनस टू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाए, यहाँ x से x कट जाएगा, यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा 1 प्लस 1 2 और यहाँ पे भी 2, वो 2 कॉमन लेंगे तो नीचे का 2 कट जाएगा एक, और बच जाएगा 1 बाई 2 log 2 प्लस 1 बाई 2 0 टू 1 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे 2 से 2 कट गया है, एक ये माइनस साइन बच गया, माइनस साइन को इधर ले जाए तो ये माइनस हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे बच गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब ये क्वेश्चन हो गया कुछ इस तरह का, 1 बाई 2 लॉग 2 माइनस 1 बाई 2, इसका इंटीग्रेशन अब अलग अलग कर देता हूँ, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डीएक्स, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 लॉग 2 माइनस 1 बाई 2, ये किसका इंटीग्रेशन है, साइन इनवर्स x का, ये किसका इंटीग्रेशन है, x का 0 से 1, दैट इज 1 बाई 2 लॉग 2 माइनस 1 बाई 2, साइन इनवर्स 1 क्या हो गया, पाई बाई 2 और माइनस 1, 0 रखेंगे तो दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा, इसका मतलब हो गया 1 बाई 2 लॉग 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2, ये हो गया इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से आएगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा लंबा है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है इसलिए हमने इसको बताया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज दैट, ट्राई टू द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल 0 टू पाई x dx upon 1 plus cos alpha sin x and alpha lies between 0 to pi, then what to do, how to solve this, to answer such question what to do, first of all we will apply this pi minus x 1 plus cos alpha sin pi minus x, use this property dx, then what will come, 0 to pi, pi minus x upon, this is the first equation I say, and this is pi minus x, 1 plus cos alpha sin x, because sin pi minus x is sin x, so here denominator is same and numerator is varied, so we can adding this first and two, adding 1 and 2, we have, what is that, 2y is equal to, what will come, pi, because here positive x, there is a negative x, so these two will cancels out, pi upon 1 plus cos alpha sin x and limit was 0 to pi dx, right, again I can write here using the same, you can take it pi as 0 to pi dx upon 1 plus cos alpha sin x, can we apply the another property 2a minus x, ये 0 to 2a fx minus x, इस pi को लिख सकते हैं 2 into pi by 2, 2 into pi by 2, can I write like this, yes I can do this, so here we can use it pi by 2, 2a minus x, f a is equal to f 2a minus x, अगर हो तो ये twice हो जाता है, so what will happen, this will come like 2a twice of pi 0 to pi by 2 dx upon 1 plus cos alpha sin x dx, like this, so what will happen, यहाँ पे अगर ऐसा कर लूँ तो ये 2 से 2 cancel हो जाएगा, I is equal to pi 0 to pi by 2 dx upon 1 plus cos alpha sin x, right ना, alpha 0 से pi के बीच में है, तो इसकी दो बातें हो सकती है कि ये पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, देखेंगे दो बातें, तो अब 0 से पाई बाई 2 के बीच में हो गया, तो पक्का अल्फा की वैल्यू तो पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकती है, देखते हैं। अब यहाँ पे साइन एक्स के बदले आपने क्या रखना होता है, पहले से आपने किया हुआ है, साइन एक्स के बदले पुट करते हैं, जब ऐसा होता है तो हम पुट करते हैं साइन एक्स के बदले, साइन एक्स इज इक्वल टू 2 टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये पुट करते हैं, तो ये ऐसा पुट करने से क्या होगा कि फिर हम पुट कर देते हैं, सो व्हाट विल हैपन, पाई 0 टू पाई बाई 2 ये रख देंगे तो ये टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2
dx, नीचे में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos अल्फा इंटू 2 tan x बाई 2, राइट, ये होगा। तो अब ये हो जाएगा आपका I इज इक्वल टू, व्हाट इज दैट, अगेन I इज इक्वल टू पाई इंटू 0 टू पाई बाई 2, ऊपर में हो गया sec स्क्वायर x बाई 2 dx, नीचे में हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 cos alpha tan x by 2, right? अब हम put कर देते हैं tan x by 2 को d, so put कर लिया tan x by 2 को d, तो क्या हो जाएगा sec square x by 2 dx into 1 by 2 is equal to dt, so it will be 2 dt. Now अब limit change करना पड़ेगा, x 0 रखेंगे तो t क्या हो जाएगा 0, और x pi by 2 रखेंगे तो t क्या हो जाएगा pi by, ये tan pi by 4, टी क्या हो जाएगा 1, tan pi by 4 1, तो लिमिट जो है वो कन्वर्ट हो गया कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, pi into 0 to 1, ये हो गया 2 dt upon 1 plus t square plus 2 cos alpha t, right? Now you can make it perfect square, so I is equal to pi into 0 to 1 2 dt upon t square plus 2 cos alpha t. So what is coefficient of t? Cos alpha. So we need to add cos square alpha and subtract cos square alpha. So it will be 2 cos alpha t, you know, 2 cos alpha into t, 2 cos alpha into t, and plus cos square alpha plus 1 minus cos square alpha. 1 is there already. तो आप इसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, I is equal to pi 0 to 1, 2 can be taken out, dt upon t plus cos alpha का whole square और plus sin square alpha, ये 1 plus cos square alpha, ये क्या होगा 1 by a tan inverse x by a, so 1 by a means sin alpha tan inverse x by a t plus cos alpha upon sin alpha, और t की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, तो ये है 0 से 1 तक, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन sin अल्फा, और 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा tan इनवर्स cot अल्फा, cot अल्फा, और 0 रख देंगे तो क्या, सॉरी 1 रख देंगे तो मिलेगा 1 plus cos अल्फा अपॉन sin अल्फा, 1 plus cos अल्फा को लिख सकते हो क्या, 1 plus cos अल्फा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा by 2, राइट, 1 प्लस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा, एक स्टेप और लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, tan इनवर्स cos अल्फा अपॉन sin अल्फा, ये आ जाएगा, सो इस तरह से ये आ जाएगा वैल्यू। अब आप एक बार रख देंगे क्या 2 पाई अपॉन sin अल्फा, यहां से मिल जाएगा tan इनवर्स tan अल्फा by cot अल्फा by 2, यहां पे मिल जाएगा 2 cos square alpha by 2, नीचे 2 sin alpha by 2, cos alpha by 2, cos से cos कट जाएगा, cos by sin रह जाएगा, तो ये हो जाएगा cot alpha by 2, जिसको हम लिख सकते हैं tan pi by 2 minus alpha by 2, और यहाँ पे मिलेगा cot alpha by 2, उसको भी हम लिख सकते हैं tan pi by 2 minus alpha, so what will happen, ये चूंकि alpha by 2 90 degree से छोटा हो जाएगा, तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करेगा, इसलिए यहाँ इनवर्स डिफाइंड रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसी बात के लिए वो लिखा हुआ था, टेक्निकल एरर ना, तो यहाँ से मिल जाएगा पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, यहाँ से मिल जाएगा पाई बाई 2 माइनस अल्फा, दैट इज प्लस अल्फा, तो ये पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल, अल्फा में से अल्फा बाई 2 घट गया, तो अल्फा बाई 2, 2 पाई बाई साइन अल्फा इंटू अल्फा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, सो व्हाट इज आंसर, पाई अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ये हो गया आंसर, ठीक है, तो आई होप यू गॉट इट, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ये है 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स डीएक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे करोगे, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, जनरली बच्चों के सबके दिमाग में होगा, मुझे आपको एंजॉय करने के लिए हमने दे दिया ये, साइन एक्स को देखोगे तो लिखोगे क्या 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, लिख सकते हैं इसको 2 sin x by 2 cos x by 2, और 1 के बदले क्या लिख सकते हैं sin square x by 2 plus cos square x by 2, ठीक है, तो ये हो गया dx,
अब आप इसको लिख सकते हैं 0 to π/2। अब 0 to π/2 में दो बातें होंगी, ये हो जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, मॉड में ये बाहर आके होगा, मॉडुलस हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये स्क्वायर होगा बट स्क्वायर रूट के बाहर आके मॉडुलस साइन देना पड़ेगा। यही टेक्निकल इशू था इस क्वेश्चन में जिसकी वजह से बताया। 0 to π/4 पे अब यहाँ पे cos x/2 प्लस sin x/2 को आप ब्रेक करेंगे तो ये -1 आएगा जो इसके बीच में कहीं आएगा नहीं, इसलिए इस इंटरवल में दोनों मिलके पॉजिटिव ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए मॉडुलस से बाहर आके इसकी साइन cos x/2 प्लस sin x/2 होगा। ठीक है, अगर ये माइनस होता तो बात कहानी अलग होती, ठीक है ना, इसलिए हमने ऐसा बता दिया। अब यहाँ पे रखोगे तो cos x/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos का sin x/2 डिवाइडेड बाई 1/2 तो 2 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ -cos x/2 डिवाइडेड बाई 2 तो 1/2 तो वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये हो गया 0 से π/2। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ π/2 रखोगे तो π/4 यानी 1/√2 -2 × 1/√2, ये तो कहानी खत्म हो गई। अब जब 0 रखोगे तो sin 0 0, -2 × cos 0 1, तो ये पूरा कहानी खत्म हो गया, और ये माइनस है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया पूरा 0 और माइनस माइनस प्लस प्लस 2, यानी 2 आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस सम अदर क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज लाइक दिस, से क्वेश्चन इज 0 to 1 dx/1 + x²³/3/2 लाइक दिस, दिस इज आल्सो अ स्मॉल वन। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी आप यही कर सकते हैं कि पुट कर सकते हैं 1 + x² को t² या x को tan थीटा पुट कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा है। आप 1 + x² को अगर t² पुट करोगे तो इसका डेरिवेटिव 2x होगा जो ऊपर में है नहीं, तो वैसे में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेंदी हो जाएगा, इसलिए पुट कर लेते हैं x = tan थीटा। तो dx = क्या हो जाएगा, sec²θ dθ। अब आपने चूंकि लिमिट सब्स्टिट्यूट किया है तो आपको लिमिट चेंज करना पड़ेगा, व्हेन x = 0 θ = 0, व्हेन x = 1 θ = π/4। तो लिमिट जो चेंज हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा कि i = 0 to π/4 dx के बदले लिख देंगे sec²θ dθ, और ये हो गया 1 + tan²θ यानी sec²θ, और बाहर में पावर 2 है 3/2 है, तो ये हो जाएगा क्या sec³θ। तो अब sec² से sec कट जाएगा तो एक sec² नीचे रह जाएगा जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा cos θ cos θ dθ। cos θ का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin θ, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4 तक, यानी 1/√2 -0 1/√2 आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, क्वेश्चन 0 to π/4 sin x + cos x / 3 + sin 2x, this type of question. So what to do? To solve this question, 0 to π/4 sin x + cos x, और नीचे में है 3 को लिख सकते हैं 3 + sin 2x। अब इसमें क्या करना चाहिए, dx हमने क्वेश्चन नहीं लिख दिया अभी तो दोबारा, बट करना ये चाहिए कि इसको न लिख करके हम ये करते हैं कि sin x - cos x को t पुट कर देते हैं। अब आप ये सोचोगे कि ये तो क्वेश्चन में है ही नहीं, आप कैसे t पुट कर दे रहे हो, तो कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ऐसा हो तभी करेंगे। और sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का -sin x, और ये हो गया dx = dt, ताकि इसका डेरिवेटिव ये आ जाए, इसलिए हमने ऐसा पुट किया। अब sin 2x की वैल्यू भी लिखना पड़ेगा, तो इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, sin²x + cos²x यानी 1, और फिर क्या मिल जाएगा -2 sin x cos x, दैट इज 1 - sin 2x = t². स्क्वायरिंग करने पे ये मिल जाएगा, यानी sin 2x को हम लिख सकते हैं 1 - t². तो अब चूंकि सब्स्टिट्यूशन बदल देंगे तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे किया है तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। अब लिमिट क्या होगा, sin x = अगर 0 मैं पुट कर दूं, when x = 0, तो क्या हो जाएगा sin 0 0 cos 0 1,
यानी t इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन। वेन x इज इक्वल टू पाई बाई फोर, तो साइन पाई बाई फोर माइनस कॉस पाई बाई फोर दोनों की वैल्यू सेम होती है, इसलिए हो जाएगा जीरो। तो ये जो इंटीग्रैंड है हमारा, वो इंटीग्रैंड कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, जो पहले जीरो से पाई बाई फोर था अब माइनस वन से जीरो हो जाएगा। और इस पूरे के बदले आप डी टी लिख सकते हो, नीचे थ्री साइन टू टी के बदले वन माइनस टी स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा माइनस वन टू जीरो डी टी अपॉन फोर माइनस टी स्क्वायर। फोर माइनस टी स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि टू का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, वन बाई टू ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ये होता है प्लस सी। तो सी तो यहाँ है नहीं, यहाँ पे है माइनस वन से जीरो। अब लिमिट रख देते हैं दोबारा, तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा वन बाई फोर लॉग, पहले जीरो रखोगे तो जीरो रखोगे तो ये जीरो, टू बाई टू वन लॉग वन, और फिर माइनस वन रखोगे तो क्या मिलेगा, टू माइनस वन दैट इज वन अपॉन टू माइनस माइनस वन दैट इज थ्री, ये मिलेगा। तो ये हो जाएगा वन बाई फोर लॉग वन जीरो होता है, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ थ्री टू द पावर माइनस वन, यानी लॉग वन माइनस लॉग थ्री लिख सकते हैं इसको भी, और ये क्या हो जाएगा प्लस लॉग वन माइनस लॉग थ्री। अब ये हो जाएगा वन बाई फोर, और यहाँ पे ये लॉग वन जीरो हो गया, और यहाँ पे मिल जाएगा प्लस थ्री लॉग थ्री। तो ये हो गया वन बाई फोर लॉग थ्री, इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तरह तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किया और इसकी प्रैक्टिस की है। आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा सब। आप इस तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, थोड़ी स्पीड मैंने जानबूझ के ज़्यादा रखी है ताकि आपकी थिंकिंग स्किल जो है वो धीरे धीरे और ज़्यादा फास्ट होती जाए, और आप कंपटीशन के लिए जो प्रोसेस है वो थोड़े से और बेहतर कर सके। हालांकि स्टेप मैंने मोस्टली लिखी है, कुछ स्टेप भी जानबूझ के ही मिस किया है ताकि आप दिमाग में कैलकुलेशन करें और उसको दोबारा करें। अगर आपसे ऐसा नहीं हो पाता है तो आप दोबारा वीडियो को देखें, बीच में पॉज करें और कैलकुलेशन करें खुद से बीच में, और देखें कि वो आता है कि नहीं आता है। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो प्लीज हमें लिखें जरूर, हमें आपको मदद करके खुशी होगी। डेफिनेटली वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच फॉर कीप वॉचिंग दिस एंड कीप वॉचिंग। गॉड ब्लेस।